तुम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा TFR 2016 में आया था। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट एफ आर से लेके 0 to infinity बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमारे पास क्या दिया गया, एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया गया, सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमें बताना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी ट्रू बन रही है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ हमारा कैसा है आर से लेके आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, ठीक है जी। और हमें जी डिफाइन किया गया है, जी हमें कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अगर अबो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा, वो भी कैसा, ऑलवेज, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल क्या लिया है, मैंने लिया है रूट ऑफ मोड एक्स, ओके जी। ये मेरे पास कैसा फंक्शन है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ से इंफिनिटी तक अप्रोच होती है और यहाँ से भी क्या होता है, इंफिनिटी तक अप्रोच करता है हमारा ग्राफ, ठीक है जी, ओके। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हमारी जो पहली कंडीशन थी वो हमारी क्या सेटिस्फाई हो रही है, ओके जी। सेकंड कंडीशन में क्या कर रखा है कि हमारे पास जो जी एक्स है यानी मोड, अगर हम एफ एक्स का होल स्केयर करें, एफ एक्स का अगर मैं होल स्केयर करूं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, रूट एक्स बनेगा। तो रूट एक्स अगर हमारे पास कैसा होता है, ये होता है, और ये फंक्शन हमारे पास कैसा होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है जी। और हमें क्या बोल रखा है कि ये हमारे पास क्या होता है, कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमारी दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गया। तो कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर हम देखें ऐप अगर ऐप हमारे पास ये है, क्या हमारे पास ये बाउंडेड है, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे पास कैसा फंक्शन बन रहा है, अनबाउंडेड फंक्शन बन रहा है, ठीक है। जो सारी की सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमारा हमारे पास फंक्शन तो क्या बन रहा है, अनबाउंडेड बन रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकोरेक्ट, ओके जी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन को। देखिए फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या बोल रखा है, फोर्थ ऑप्शन में कह रखा है कि एफ हमारे पास कैसा बनेगा, अनबाउंडेड बनेगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी स्केयर, ठीक है, यानी कोई भी कॉन्स्टेंट का स्केयर, ठीक है। मैंने कोई कॉन्स्टेंट का स्केयर क्यों लिया है, ताकि हमारे पास डोमेन क्या बने, डोमेन तो बने हमारे पास आर, रेंज हमारे पास क्या बननी चाहिए, रेंज बने हमारे पास आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है जी। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा होता है, हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होता है। अगर कोई भी हम कॉन्स्टेंट फंक्शन ले रहे हैं ना, वो हमारे पास कैसा होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है हमारा, कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कॉन्स्टेंट फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका स्केयर करूं तो स्केयर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा सी की पावर फोर, ठीक है। ये भी हमारे पास कैसा कैसा आएगा, कोई अनदर कॉन्स्टेंट आएगा। अगर मैं इसको के वन मान लू, इसको के टू मान लू, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, कोई अनदर कॉन्स्टेंट आएगा, और अनदर कॉन्स्टेंट हमारे पास आएगा तो ये क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बनेगा, ठीक है, ओके जी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बनेगा। क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन होते हैं, वो आप हमारे पास क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमारे पास एफ कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा, लेकिन हमारे एफ तो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकोरेक्ट। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे बी और सी ऑप्शन। देखिए बी सी ऑप्शन में क्या रखा है कि एफ की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के बारे में पूछ रखा है कि बी हमारा एफ क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो एक रिजल्ट है हमारे पास, सबसे पहले हम एक रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, हम उसी का यूज करेंगे इस ऑप्शन के लिए। कि हमारे पास अगर कोई भी जी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, अगर हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तो इफ एंड ओनली इफ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम दो सीक्वेंस लें, उनका डिफरेंस है वो जीरो पे जा रहा है, देन जी ऑफ ए एन एंड जी ऑफ बी एन भी क्या होगा, हमारा जीरो पे जाएगा, ठीक है जी। हम कह सकते हैं अगर हम कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं ना, अगर हम दो सीक्वेंस ले लें, डिफरेंट सीक्वेंस जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो पे जा रहा हो, अगर जी जी में डालने के बाद, यानी जी ऑफ ए एन एंड जी ऑफ बी एन भी हमारा क्या हो,
जीरो पे जाए ना तो हमारा फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। ये रिजल्ट हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। अगर हमारा डिफरेंस जी ऑफ ए एंड एंड जी ऑफ बी एन का डिफरेंस जीरो पे नहीं जा रहा ना, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ठीक है। ओके जी, तो एक बात देखिए, हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन रहा है नहीं बन रहा। तो गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है कि जी हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। अगर जी हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ना, तो मैं लेट करता हूँ, लेट कि ए एंड बी एन मैंने दो सीक्वेंस चूज किया है, कहां से, आर से, ठीक है जी, सच दैट उन दोनों का डिफरेंस कहां पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। अगर हम हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ना, तो हमारा जी ऑफ ए एन और जी ऑफ बी एन भी कहां पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारा फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, ठीक है जी। अब g ऑफ a एंड g ऑफ b एन हमारे पास क्या है, f ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारा f ऑफ a एन का होल स्क्वायर माइनस में f ऑफ b एन का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ ए एन का होल स्केयर माइनस एफ ऑफ बी एन का होल स्केयर भी कहां पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, ठीक है जी। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम अलग अलग करें इनको, तो एफ ऑफ ए एन प्लस एफ ऑफ बी एन, एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन, ठीक है जी, मैंने आइडेंटिटी यूज कर लिया यहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, जीरो पे जाएगा, ठीक है। अगर जीरो पे जा रहा है तो हम इनका क्या कर सकते हैं, मोड अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मोड अलग अलग करने पे क्या होगा, देखिए अगर दो टर्म का मोड जीरो पे जा रहा है तो क्या होगा, आइदर एफ ऑफ ए एन प्लस एफ ऑफ बी एन क्या होगा, जीरो पे जाएगा, या हमारे पास क्या होगा, और एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन को क्या होना पड़ेगा, जीरो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, अब देखिए अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता हूं, मैंने इस कंडीशन को मान लिया सेकंड, इस कंडीशन को मान लिया मैंने फर्स्ट, अगर मैं सेकंड कंडीशन लेके चलता हूँ तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अगर दो सीक्वेंस का डिफरेंस जीरो पे जा रहा है, ठीक है, अगर साथ में एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ बी एन भी जीरो पे चला जाए, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, हमारा एफ कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू अबव रिजल्ट, ठीक है, एफ हमारे पास कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी कंडीशन फर्स्ट से, तो यहां से देखिए अगर इन दोनों का सम जीरो पे जा रहा है, तो यहां से हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी एन को क्या होना पड़ेगा, हमारा जीरो पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो पे जाना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो पे जाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा, जीरो पे जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी हमारी क्या कंडीशन आ रही है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, दैट इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो देखिए हमारी पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन से क्या आ रहा है, हमारा एफ क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी कह रहा था कि एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ये तो हो जाएगा हमारा इनकोरेक्ट, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है जी। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन सी है ना वो हो जाएगा ट्रू, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक। थैंक यू।